दोस्तों गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग हमारी हो रही है सोमरोरी से। और की बात, संदीप तो अभी हो रहा है तैयार, अभी बस बस वो कहता है ना ड्राई क्लीनिंग की तरह ना के आया है। और ये देखो अपना धर्मपाल, गुड मॉर्निंग देखो, और इसकी शर्ट देखो, पर्दे के साथ हमारे मैच हो रही है, जमा पर्दे के साथ है। अरे रात रात में सिलवा तो नहीं दिया ये पर्दा, और उसके बाद अब निकलेंगे हम सोमरोरी लेक पे, और उसके बाद हमारी वापसी हो जाएगी। और देखते हैं बारा लाचा पे क्या हाल है, और बार का व्यू है वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये देखो कितनी शानदार लेक बनी हुई है, और ऊपर स्नो, वो देखो ये है जी सोमरोरी, जिसको वैसे तो हम जी हम निकलने के लिए तैयार है, और सामने जो आपको झील दिखाई दे रही है वो सोमरोरी लेक, सोमरोरी कहते हैं जिसको। और मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ जिसमें रुके हुए थे ना हम यहाँ पे, ये देखो आप, मतलब पानी भी जम गया यहाँ पे, देखो ये पानी रिस रहा होगा, ये जम गया। मॉर्निंग, लो जी अब हम निकलनी है व्यू पॉइंट के लिए। और व्यू पॉइंट यहाँ से जहाँ हम ठहरे हुए थे करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बता रहा था वो, लेकिन वो व्यू पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि जिस हिसाब से वो रास्ता ऊपर जा रहा है आई थिंक, तो ऊपर से देखने के लिए बता रहा है वो आई थिंक। मगर भाई ऊपर से तो आप छत पे खड़े होके वहाँ देख ही रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे गाड़ी वहाँ तक कैसे जाए। मेरे ख्याल में कोई रास्ता है नहीं है, तो कोई बात नहीं पैदल देखते हैं, कहीं तो गाड़ी खड़ी करेंगे, जहाँ तक जाएगी वहाँ से आके पैदल चल पड़ेंगे। और धर्मपाल तुम्हारा उड़ के भी चले जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल, वो तो कल चाइना में बड़ा ना हो रहा था, बड़ी मुश्किल से पकड़ के ले आएगा जी, पूरा घूम के आएगा फिर ये है, है? हाँ घूम के उधर जाएगा, यहीं से रास्ता बना देते हैं यार। ये देखो जी सोमरोरी लेक का व्यू, क्या व्यू आ रहा है जबरदस्त, ये लुक है वाह वंडरफुल। आज तो धर्मपाल भी बोला वंडरफुल, बाग बाग हो गया दिल इसका, दिल गार्डन 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 हो गया। देखो व्यू तो बहुत अच्छा है, कुछ भी कुछ है। ये देखो जी ये है सोमरोरी लेक, और चारों तरफ का व्यू, चारों तरफ ग्लेशियर्स, और ये हमारी ड्राइवर की फॉर्चूनर सोमरोरी लेक पे। और ये जो झील है ये दिखाई दे रही है जो पीछे, ये करीब 105 मीटर गहरी है, और लंबाई मैंने अभी आपको बताई थी। और ये देखो ड्रोन की तैयारियां,
ये देखिए बर्फ वाली शर्ट। अभी अभी होटल के पर्दे से सिलवाई है। ड्रोन फ्लाइट मोड में देखिए। ये ट्रैवलर की टीम ड्रोन उड़ाने के लिए तैयार है। लेक बस एक ही नुकसान है कि ये थोड़ा सा नीचे जाने का रास्ता बनाना चाहिए इनको, पैदल जाने का या गाड़ी वहां चली जैसे पेंगोंग में बना रखा है। बिल्कुल उसके पास में। हाँ मतलब देखो रंग तो इसके भी चेंज हो रहे हैं। इसके जूम करके देखना किनारे पे तीन कलर है। हाँ लाइट के साथ सनलाइट। दोस्तों हम पहुंच गए समोरेरी झील के किनारे और समोरेरी झील में आपको दिखाता हूं। वाह भाई वाह, ये देखो दो हमारे साथी वो लग रहे वो एक्सपेरिमेंट करने। और ये है झील का व्यू और आप देखोगे ना ये देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, कमाल का। और कलर देखो कितने चेंज हो रहे हैं, जैसे पेंगोंग में चेंज हो रहे थे ना सेम वैसे ही चेंज हो रहा है। और ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं उनमें स्नो कवर्ड वो उधर भी है। इस तरफ देखो व्यू, ये भी है स्नो कवर्ड का, उधर भी स्नो कवर्ड पीक्स हैं और इधर ये देखो रेतीला सारा का सारा। पर देखो ये वो है जी, देखो दोस्तों सामने गांव है कुरजौक और समोररी तसोमोररी कहते हैं इसको। ये लेक बनी हुई है इसी गाँव के किनारे पे, कुरजौक के किनारे पे। और अब हम भी निकल लिए हैं, टाइम हुआ है 9:05 और अब हम निकल रहे हैं। कहाँ के लिए निकल रहे हैं आप? हम जाएंगे जिस्पा के लिए, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक ऑफ रोड है, ऑफ रोड वाले रूट से ही जाएंगे वापस लेक की तरफ, तो हम जाएंगे नहीं वाही ब्रिज की तरफ। यहाँ से हम जाएंगे सुमदो और उसके बाद पुगो, पुगो से वो सीधा नूरो प्लेन्स में निकलता है रास्ता, फिर वहाँ देखते हैं आज कैसा है वो रोड। वो तो अपने काट ले जाए हमको। ये देखो जी, ये जो इनका बौद्ध धर्म का प्रतीक होता है, इसके इसके ऊपर छज्जा है, ये लोहे का है बेसिकली, ये छदर चढ़ाएंगे इसके ऊपर अभी। मतलब हमारे को कह रहा है निकाल लो, कहाँ से निकल जाएगी जब जेसी भी बड़ी मुश्किल से निकल रही है यार, है ना? टेढ़ी हो जाएगी गाड़ी। गाड़ी टेढ़ी तो हो जाए कोई बात नहीं, देख जब जेसीबी नहीं निकली तो अपने कहाँ से निकल जाएगी ये बता मेरे को। नहीं निकलेगी अपनी, जेसीबी से सरकाएगा इसको।
अच्छा अगे ले लो पाइप दबरा। अच्छा हाँ पाइप दबरा था इनका। लो जी ये छतर देखो सरकार है क्या? अभी अपने को निकालने के लिए सरकारा होगा या चढ़ा होगा? दरिया कैसे इतना ऊंचा यार? ये जैसी भी इतनी ऊंची जाती तो नहीं है, हाइड्रा तो होती है तो चली जाती। ऊपर तार भी है। हाँ तार भी है। इधर से रख सकते हैं यहाँ सामने से रख सकते हैं इसको रखना चाहे तो। वो तारा का बढ़ गया था बैठ तो देखिए। ये देख पानी का कलर देख यहाँ से बिल्कुल नजदीक है पापा। ये मतलब देखना कितने एक दो तीन जैसे पेंगोंग में था ना सेम वैसे ही है। और बिल्कुल क्लीन है, नीचे पत्थर पड़े दिख रहे हैं। ये है जी सोमोरोरी लेक, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये देखो आप, ये वो पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और ये बिल्कुल पूरा घूम के जो ये पत्थर आपको सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है ना जैसे वहाँ तक है, ये आगे तक है पूरी। इसकी लंबाई 65 किलोमीटर तो को नहीं, और वो पेंगोंग की है। और वो सामने देखो इसमें बतके भी तैर रही है, वो दिखाता हूँ आपको जूम करके दिखाता हूँ। अरे उड़ गई। ये देखो बतके यहाँ मस्ती करते हुए